हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीता गुप्ता और आप देख रहे हैं बी सिंपल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द हेयर सीरम जो कि है पिलग्रिम का, और इसे मैंने यूज़ किया है ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, और इसका क्या यू नो बेनिफिट रहा, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो सभी कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्योरली यू नो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और इस प्रोडक्ट को खरीदने में मैंने खुद के पैसे लगाए हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग का कलर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसे कलर्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये कुछ ग्रीनिश ब्लूइश या फिर आप कह सकते हैं फिरोजा कलर, टर्कुइश कलर में कुछ नज़र आता है। और इसके अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है रेडेंसिल एंड एनागेन। जो परसेंटेज है रेडेंसिल का वो है 3% एंड एनागेन 4% है। इसके साथ जो और भी 2 इंग्रेडिएंट इसको सपोर्ट करते हैं वो है जिंक एंड ग्रीन ट्री। ओके, ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है ये कोरियन बेस्ड इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे हेयर के लिए, हेयर यू नो रीग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए और हेयर डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा ये क्लेम करता है। ओके, अभी मैं बताऊँगी कि क्या ये सही है या नहीं। एटलीस्ट इन 2 महीने में थोड़ा बहुत तो आई गॉट एन आइडिया अबाउट इट। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इसके प्रोडक्ट क्वांटिटी की। तो इसके अंदर 50 ml की बॉटल हमें मिल जाती है, और जो MRP है वो है 895, यानी कि यू नो लगा लीजिए आप 900 रुपये का एक बॉटल आपको मिलता है। और इसके अंदर जो बॉटल है वो कुछ इस तरह से यू नो एक ब्राउन शीशी ग्लास के बॉटल में आ जाती है। एंड जो प्रोडक्ट्स यू नो स्पेशली जो सीरम्स होते हैं या फिर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कोई यू नो केमिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जब वो ऐसे बॉटल में आते हैं मुझे पर्सनली बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट को बचाने में और उसके लाइफ शेल्फ को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ओके, तो ये है मेरा पहला बॉटल जो मैंने यूज़ किया, और इसे मैंने ख़त्म भी कर दिया है। तो ये पूरी तरह से हो रखा है खत्म, और इसके अंदर इस तरह से आपको पंप मिल जाता है। तो जब जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो अनटच रहेगा, और साथ ही साथ हर बार आप एक यू नो रिफ्रेश्ड और वेरी मच क्लीन प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये एक पहला बॉटल था। ओके, अब ये है मेरा सेकेंड बॉटल जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है ना 50 ml वो इतनी होती है। ओके, अब मैंने यूज़ कर करके इसको लगभग If it is visible at all, see, देखिए इतना बच गया है, इसे मैंने लगभग ख़त्म कर लिया है। अब इसके अंदर की जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो है कुछ इस तरह से। ओके, ये ट्रांसपेरेंट कलर में आती है, कैमरे पे शायद थोड़ा सा पेल येल्लोइश दिख रहा होगा, बट ये ऐसे सामने से एकदम प्योर ट्रांसपेरेंट पानी की तरह ही नज़र आएगा। और इसमें बहुत ही मतलब जब तक आप उसको नोज के पास ना ले जाओ तब तक आपको स्मेल नहीं आएगा, अदरवाइज इसकी कोई खुद की स्मेल है नहीं। ओके, और जो इसका जो लिक्विड क्वांटिटी या फिर यू नो लिक्विड है वो एकदम वाटर बेस्ड है। आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से, ये है। ओके, ये है वाटर बेस्ड, सी एकदम रनी है, मतलब ये एकदम ऐसे पानी जैसा होता है ना, सेम वैसा ही है। तो ये एकदम पानी जैसा ही है, बिल्कुल भी यू नो स्टिकी नहीं है, और जैसे ही आप इसे लगाएंगे ये सूख जाएगा। देखिए ये सूख जाएगा, और सूखते ही आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ लगाया था, और ना ही ये कोई स्मेल छोड़ता है। बस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स है, जब तक आप इसको मसाज करेंगे अपने हेयर्स पे तब तक ही रहेगा, उसके बाद 15-20 मिनट के बाद वो जो बहुत माइल्ड मतलब ना के बराबर जो स्मेल है वो भी चला जाएगा। ओके, तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आता है इस पर्टिकुलर बॉटल में। अब हम बात करते हैं कि भाई ये 50 ml जो कि 900 रुपये की है, क्या महंगी है? जी हाँ, मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत महंगी है। जैसे कि मैंने कहा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ने खरीदा है। तो जब मैंने इसे खरीदा, ये हूँ मैं, इसलिए मैं वेट करती हूँ कि ऑफर्स आए तो ही मैं खरीदूँ। तो ऑफर आया था बाय वन गेट वन फ्री का, तो ये 900 का प्रोडक्ट जो पड़ा मुझे 2 बॉटल्स मिल गए। तो 50-50 आप लगा लीजिए नो, कुछ इस तरह से मुझे मिला। और 2-2.5 महीने हो गए हैं, इन 2-2.5 महीने में मैंने सेकेंड बॉटल यूज़ कर ली, अभी आधी हो गई है। इसमें मेरी गलती है, क्योंकि इसको लगाना कैसे था कि जहाँ पे आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया है जहाँ पे आप बस वहीं लगाइए। मैंने क्या किया, मैंने पूरे स्कैल्प पे इसे अच्छे से लगा लिया, और फिर रियलाइज़ किया अरे तो जल्दी ख़त्म हो गई। फिर मैं रिसर्च करती रहती थी क्योंकि इसके बारे में तभी भी R&D कर रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई आप इसे सिर्फ प्रॉब्लमेटिक एरिया पे लगाओ तो ये काफ़ी चलेगा भी, और बिलीव मी एक बॉटल दो महीना तो आराम से चल जाएगा। तो मतलब ये 2 बॉटल 4 महीने चलने चाहिए। ओके, अब मैं इसे कब तक यूज़ करूँगी?
इसी में से टाइम देना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट स्पेशली आप स्किन के लिए या हेयर के लिए लगा रहे हैं तो आप इसे कम से कम 6 महीने का टाइम तो दीजिए, तब जाके आपको इसका रिजल्ट दिखेगा या फिर सॉरी बीच में दिखना चालू हो जाएगा. ओके, तो इसे और मैं 4-5 महीने लगाऊंगी, उसके बाद मैं जो प्रोडक्ट है वो चेंज करूंगी ताकि उसे यूज़ करके और आपको मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट का भी रिव्यू दे पाऊँ. ओके, सो ये हो गए इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी. अब इसकी स्टोरी, इसे मैंने क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया और यू नो अभी इसका क्या बेनिफिट है. तो फिलहाल तो आप मेरे हेयर का टेक्चर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है. मैंने अपने हेयर पे ट्रीटमेंट यू नो लिया है, ट्रीटमेंट एज इन कारनामा किया है. मैंने लाइफ में 3 बार हेयर स्मूथनिंग केराटिन हेयर स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करी है, इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया है जो केमिकल बेस्ड हो. ओके, तो ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए होंगे या 1.5-2 साल हो गए होंगे ट्रीटमेंट लेके, और अभी फिलहाल ये सारे मेरे नेचुरल हेयर है जिसपे कोई ट्रीटमेंट नहीं है और ये फिलहाल मेरा प्रेजेंट कंडीशन या स्टेटस है मेरे हेयर्स के. आज से कुछ 4-5 महीने पहले मेरे बहुत बुरी तरह से हेयर फॉल होने स्टार्ट हुए थे और फिर मैंने मिनी ऑक्सीडाइल करके एक यू नो प्रोडक्ट है जो आपको मेडिकल में इजीली मिल जाएगा और मेल फीमेल्स के अलग अलग परसेंटेज में रेंजेस अवेलेबल है, मैंने खरीदा क्योंकि बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा था मुझे. इनफैक्ट जब मैं नहाने जाती थी, हेयर वॉश करती थी, ऐसा पूरा एक गुच्छा बाहर आता था यू नो, और मैं शॉक्ड, मैं लिटरली रोने लग गई कि भाई या तो मैं टकली हो जाऊंगी, क्या हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था. फिर मैंने मिनी ऑक्सीडाइल लिया, उसे यूज़ किया, उससे मेरे हेयर फॉल और बढ़ गए. फिर जब थोड़ा रिसर्च किया, आई रियलाइज्ड कि मिनी ऑक्सीडाइल लगाने के बाद आपके बाल और झड़ेंगे क्योंकि जो बाल वीक हो चुके हैं, जो झड़ने ही वाले, उसे वो जल्दी यू नो निकाल देता है ताकि नए बाल आए और वो स्ट्रांग हो. तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, बट जैसे ही मैंने मिनी ऑक्सीडाइल बंद किया, हेयर फॉल फिर से स्टार्ट हो गए. तो फिर जब मैंने रिसर्च किया कि यस उसका प्रोसेस वैसा ही है, आपको ये साइकिल देखना ही पड़ेगा, हेयर जब भी आप स्टॉप करोगे मिनी ऑक्सीडाइल, हेयर फॉल फिर हो जाएगा. और फिर वो स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा केमिकल मुझे लगा देना है स्टॉप यूजिंग, क्योंकि वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे भी नो रिएक्ट कर रहा था, शायद यू नो अपर लिप्स पे या लोगों को बाल आ जाते हैं, ऐसे कुछ था. तो आई स्टॉप यूजिंग इट एंड देन आई थॉट कि कुछ मुझे यू नो होम रेमेडीज करनी पड़ेगी और कुछ ऐसे यू नो रास्ता या कुछ और सोल्यूशन देखते हैं. तब रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि यू नो रेडेंसिल एनागेन और एक कोई यू नो इन 2-4 इंग्रेडिएंट्स है कि ये बहुत अच्छे हैं जो कि मार्केट में आए हैं या बहुत पहले से था और आजकल लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और उसका वो बेनिफिट भी ले रहे हैं. तो मैंने 2-4 प्रोडक्ट्स देखे, आई रियलाइज्ड कि भाई महंगे बहुत है, क्वांटिटी भी कम आ रही है. फिर पिलग्रिम मुझे मिला जिसमें वो सेम यू नो ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट दे रहा है विद दिस प्राइस, तो ठीक ठाक कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स मुझे चीप लगा, तो मैंने खरीद लिया बाय वन गेट वन. तो ये मैंने परचेस किया और मैंने इसे लगाना शुरू किया. अब बात करते हैं इसके हेयर फॉल की. तो यस, मैंने विजिबल चेंजेस देखे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेरे आज के हेयर फॉल कितने हैं. मैं दिन में सिर्फ 2 बार हेयर्स को कॉम करती हूँ, तो ये है मेरे दिन में, दिस इज माई हेयर फॉल राइट नाउ. ओके, तो ये अभी दिन में, मैं अभी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने ही जा रही थी तो मैंने सोचा चलो इसका रिव्यू बनाते हैं. तो इतना हेयर फॉल अभी मुझे हुआ है और इसे आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो यू नो 150-200 आपके बाल जाने ही जाने हैं, उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता. ठीक है, फिर बात करते हैं हेयर रीग्रोथ की. मुझे कहीं से भी अभी फिलहाल कोई मेजर चेंजेस नहीं दिखा है, मुझे एक्चुअली पता भी नहीं चल रहा है कि हेयर रीग्रोथ हो भी रहे हैं या नहीं, बट आई एम सेटिस्फाइड कि भाई एटलीस्ट इसने मेरा हेयर फॉल तो रोक दिया, जो बाल बचे हैं उसे तो बचा लिया और हेयर रीग्रोथ का हम बाद में देखेंगे. तो फिलहाल ये कुछ इस तरह से कंडीशन है मेरे हेयर्स की. यस, वन मोर थिंग, हेयर डेंसिटी मुझे लगता है इम्प्रूव हुई है. जी हाँ, तो है, मुझे लगता है बाल थोड़े से डेंस हुए हैं, इसकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी हुई है. तो ये है मेरे प्रेजेंट कंडीशन ऑफ माई हेयर्स. ओके, कुछ इस तरह से मेरे बाल हैं और अब मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने जा रही थी, इसलिए मैं अभी यूज़ करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ और कैसे आपको इस्तेमाल करना है. सी, अगर आपके बाल में बहुत सारा डर्ट है, आपने हेयर वॉश नहीं किया है, तो फिर ये क्या कि दुनिया का कितना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट ही आप लगा लें, काम नहीं करेगा. तो सबसे पहला काम है कि आप अपने स्कैल्प को जितना हो सके क्लीन रखें, स्पेशली जिनके यू नो स्कैल्प ऑयली हैं तो बहुत जल्दी ऑयल आ जाते हैं, तो उनको तो भाई अपने स्कैल्प को वॉश करना ही पड़ेगा, हेयर वॉश करना ही पड़ेगा. टचवुड, मेरे जो स्कैल्प है इतना क्या बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, तो मैं वीक में सिर्फ 1 बार ही हेयर वॉश करती हूँ. पहले मैं 2-3 बार करती थी,
फिर थोड़ा मुझे समझ में आया कि ज़्यादा हेयर वॉश करने से शायद मेरे बाल और डैमेज हो रहे हैं या हो जाएंगे, तो मैं वीक में एक बार हेयर वॉश करती हूँ और फिर मैं इसे डेफिनेटली लगाती हूँ आफ्टर डूइंग ऑल माय अदर प्रोसेस ऑफ माय हेयर केयर रूटीन। वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक और बात, सिर्फ रेडेंसल ने ही आई वोंट से हेल्प किया है मेरे बाल को अच्छा करने में, हेयर फॉल को रोकने में, और भी कुछ चीज़ें मैं कर रही हूँ, बट इससे डेफिनेटली मैं क्रेडिट दूंगी कि हेयर फॉल तो डेफिनेटली स्टॉप हुआ है। ओके, तो जो भी है मैं अपने क्लीन स्कैल्प पे लगाती हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेती हूँ और इतना प्रोडक्ट आ जाता है एज यू कैन सी। और इसे मैं सिर्फ प्रॉब्लमेटिक एरिया, क्योंकि ये मेरा जो हेयर लाइन है ना, ये बहुत कम है पहले से ही, बचपन से ही। ओके, और फिर मेरा जो माथा है, ये फॉरहेड, वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा है, तो ये और चौड़ा ना हो जाए, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बाल मेरे कम हो रहे थे या हो रहे हैं, तो मैं बस उसे उतने ही एरिया में लगाती हूँ। ओके, और मैं पूरा एक जो पंप में आया होता है उसे पूरी तरह से यूज़ करती हूँ, मैं उसे वापस बॉटल में नहीं डालती। और लगाने के बाद मैंडेटरी है कि आप अपने बाल को या स्कैल्प को अच्छे से मसाज दें, एटलीस्ट 1 से 2 मिनट्स, बिकॉज जब आप इसे मसाज देंगे ना, तो ये आपके स्कैल्प में अच्छे से पेनिट्रेट होगा और ये अच्छे से सूख भी जाएगा। ओके, और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसे लगाना कब है, आप इसे दिन में कभी भी लगा सकते हैं, मैं यूजुअली शाम के टाइम, क्योंकि सुबह काफ़ी काम होता है, टाइम नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं रात को सोते वक्त ही इसका इस्तेमाल करती हूँ, इसे इस तरह से अपने स्कैल्प पे लगा के। बाकी जो भी केयर्स, हेयर ट्रीटमेंट है या हेयर केयर जो मैं कर रही हूँ वो मैं करती हूँ, और फिर घर पे मैं हमेशा अपने बाल को बांध के ही रखती हूँ। बाहर अगर मैं जा रही हूँ ऑफिस वगैरह, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपन रख लेती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, और क्लिप लगा लूँगी, बट पूरी तरह से खुला नहीं रखूँगी। और घर पे तो मैं पूरी तरह से चोटी वोटी बांध के अच्छे से 1-1.5 घंटे पहले सोने के इसे लगा के अच्छे से हेड मसाज दे के फिर ही मैं अपना आगे का प्रोसेस या कुछ काम है तो वो करती हूँ। अब ये लगाने के बाद अगर आपको लगेगा कि ऑयली होगा कि होगा, तो नहीं, सी मैंने लगा लिया, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। लगा लीजिए, आपने पानी लिया और स्प्रे करने के बाद आप कैसे फील करते हैं वही, अब ये पूरी तरह से सूख जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ लगाया है, और ये फिर बाल आपके पूरी कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे। ओके, सो ये कुछ एक्सपीरियंस रहा मेरे हेयर्स का इस सीरम के साथ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अभी तक इन 2-2.5 महीने में। 3-4 महीने और यूज़ करूँगी, देखूंगी हेयर रीग्रोथ हो भी रहा है नहीं हो रहा है। फिलहाल दैट्स इट फॉर दिस, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, जितना भी हो पाएगा मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगी। दैट्स इट फॉर द डे। इफ़ यू रियली लाइक माई चैनल, प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।